हाय गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का अपने चैनल पे बहुत ही ज़्यादा स्वागत है। गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे iOS 17 के अपडेट में हमें कॉलिंग पोस्टर्स की एक नई ऑप्शन देखने को मिली है अपने आईफोन्स के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में इसी के बारे में बात करने वाले हैं, कैसे हम इस पोस्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं और भी बढ़िया अट्रैक्टिव कॉलिंग स्क्रीन के पोस्टर को कैसे क्रिएट कर सकते हैं iOS 17 के इस अपडेट में। इसके सारे फीचर्स के बारे में बात करेंगे, कैसे आप इसे कस्टमाइज कर सके, खुद से कैसे क्रिएट कर सकते हो, और बहुत ही बढ़िया ये जो अट्रैक्टिव सा फीचर है एप्पल ने प्रोवाइड किया है iOS 17 के नए अपडेट में कॉलिंग स्क्रीन के फीचर में। तो चलिए बिना किसी देरी से शुरू करते हैं गाइस आज के इस वीडियो को। तो सबसे पहले तो गाइस आपको अपने फ़ोन कॉल की एप्लीकेशन को ओपन करना है और यहाँ पर आपको एक पर्टिकुलर कॉन्टैक्ट को सर्च करना है जिसको आप एडिट करना चाहते हो। तो भी मैं यहाँ पर सिंपली अपने एक कॉन्टैक्ट को यहाँ पर मैं सर्च करता हूँ। जैसे ही ओपन कर लेते हो आपको यहाँ पर एक एडिट का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एडिट के ऑप्शन के ऊपर टैप करना है। यहाँ पर आपको इस बटन के ऊपर टैप करना है, एडिट बटन के ऊपर। तो यहाँ पर अब आपको सिंपली कस्टमाइज के ऊपर टैप करना है या प्लस के ऊपर टैप करना है। कस्टमाइज कर सकते हो एक पर्टिकुलर एल्बम को, पर्टिकुलर पोस्टर को। जैसे कि मैंने ये पोस्टर क्रिएट करके रखा हुआ है, मेरे को बट नया पोस्टर क्रिएट करना है, उसके लिए यहाँ पर मेरे को प्लस के ऊपर टैप करना है। जैसे प्लस के ऊपर टैप करोगे आपके सामने यहाँ पर 4 ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहली है कैमरा की ऑप्शन, जो आप करंट फ़ोटो क्लिक करोगे वो ही आप सेट कर सकते हो कैमरा की ऑप्शन में से। फ़ोटोज़ में से आप कोई भी फ़ोटोज़ को सेलेक्ट कर सकते हो और मीमोजीज में से अपने मीमोजी को ऐड कर सकते हो अपने कॉलिंग पोस्टर में। तो यहाँ पर मोनोग्राफ की भी एक ऑप्शन है जिसके साथ आप अपने फ़ॉन्ट्स को चेंज कर सकते हो, इसके बारे में भी बात करेंगे। लाइन वाइज हम चलेंगे इस वीडियो में ताकि आप इसे और भी बढ़िया तरीके से कस्टमाइज कर सके। तो यहाँ पर आपको फोटोज़ की ऐप को ओपन करना है और यहाँ पर आपको सबसे पहले एक पर्टिकुलर फ़ोटो को आपने सेलेक्ट करना है। मैंने यहाँ पर इस फोटो को यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया है। उसके बाद जैसे ही सेलेक्ट कर लेते हो आपको यहाँ पर करना क्या कि फ़ॉन्ट के ऊपर टैप करना है। फ़ॉन्ट के ऑप्शंस में आपको बहुत से ऑप्शंस देखने को मिल जाती हैं। जैसे कि आप देख सकते हो ये अलग अलग फ़ॉन्ट्स आपको प्रोवाइड किए गए हैं iOS 17 के अपडेट में। आप इनमें से कोई सा भी फ़ॉन्ट यहाँ पर ऐड कर सकते हो। जैसे कि मेरे को ये वाला जो 3rd नंबर वाला फ़ॉन्ट है मेरे को बढ़िया लगा। तो जैसे यहाँ पर कलर चेंज करने के लिए करोगे तो आपको यहाँ पर कलर भी चेंज कर सकते हो। यहाँ पर आपको एक स्लाइडर देखने को मिल जाता है जिसके साथ आप इसकी विड्थ को इंक्रीज कर सकते हो, इसको बोल्ड कर सकते हो। ये बोल्ड हो चुका है अपना जो टेक्स्ट है, अपना जो फॉन्ट है। अगर इसके कलर को चेंज करना है तो आपको यहाँ पर कलर चेंज करने का ऑप्शन देखने को मिल जाता है। तो मैंने यहाँ पर इसको ये जो येलो कलर है या वाइट कलर में मैंने इसे ऐड करना है, तो मैंने इसे वाइट कलर में कन्वर्ट कर दिया है। वो यहाँ पर मैच हो चुका है मेरे कलर के साथ, मेरे फ़ोन के साथ। अब आपको यहाँ पर सिंपली क्रॉस बटन के ऊपर टैप करना है। तो यहाँ पर जैसे स्वाइप करोगे आपको अलग अलग फ़िल्टर्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो बहुत से आपको फ़िल्टर यहाँ पर प्रोवाइड किए गए हैं। जो भी फ़िल्टर आपको पसंद हो वो आप यहाँ से चूज़ कर सकते हो, सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको पिंच टू क्रॉप की ऑप्शन देखने को मिल जाती है। आप अपनी फ़ोटोज़ को एडजस्ट कर सकते हो अपनी फ़ोन की एप्लीकेशन में कुछ इस तरह से। अगर आपको इसे जूम करना है तो जूम भी कर सकते हो। जैसे कि आपको यहाँ पर फ़ोटो को चेंज करना है तो फ़ोटो चेंज करने की भी ऑप्शन है। जो भी फ़ोटो आप यहाँ से पिक करना चाहते हो वो आप यहाँ से गैलरी से पिक कर सकते हो। अब मेरे को ये जो सेटअप है यहाँ पर कंप्लीट लग रहा है। अब आपको इसे डन के ऊपर टैप कर देना है। जैसे डन के ऊपर टैप करोगे आपके सामने ये जो पोस्टर है ये क्रिएट होकर आपको प्रिव्यू चेक करवाएगा कि कैसा पोस्टर आपका क्रिएट हुआ है। मेरे को यहाँ पर ये जो फॉन्ट है बहुत ही बढ़िया लगे इस नए अपडेट में। इसको सेव करने के लिए आपको कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप करना पड़ेगा। जैसे कंटिन्यू बटन के ऊपर टैप करोगे तो आपको यहाँ पर अपडेट के ऊपर टैप कर देना है। यहाँ पर अपडेट हो चुकी है आपकी ये फोटो। यहाँ पर आपको डन के बटन के ऊपर टैप कर देना है और आप देख सकते हो ये है आपका कस्टमाइज पोस्टर जो कि आप यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हो। एडिट बटन के ऊपर फिर से आपको टैप करना है और यहाँ पर आपको एडिट के ऊपर फिर से टैप करना है। ये जो कस्टमाइज पोस्टर्स हैं वो आप यहाँ से कोई भी चूज कर सकते हो। आप देख सकते हो ये भी पोस्टर मैंने खुद से यहाँ पर क्रिएट करके रखा हुआ है।
जो कि बहुत ही बढ़िया इफेक्ट मेरे को प्रोवाइड करता है। कुछ इस तरह से आप अपने किसी भी डिवाइस में इन पोस्टर्स को क्रिएट कर सकते हो जो करंटली रन करते हैं iOS 17 के नए अपडेट के ऊपर। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करते, अपने चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस कर दें ताकि आपको हमारी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो गाइस मिलते हैं अगली वीडियो में। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग।